आम पाखे विश्वर सर्वोच्च नेता नरेंद्र भाई मोदी का आदर्श सेवा करिवारो निर्देश पाई आमे प्रभु जगन्नाथ शरणापन्न एथर जनता जनार्दन द्वार मुह को जीव धर्म अधर्मर लड़ई रे धर्मर साथी दबा पाई आह्वान दबु मोदी गरीब कल्याणकारी योजना गरीबों जाए पहुँचवाई प्रतिश्रुति दबु मोर विश्वास प्रभु जगन्नाथ एथर भारतीय जनता पार्टी उपरे कृपा करिवे दया करिवे ये धर्मर लड़ई रे भारतीय जनता पार्टी विजयी हबो ओडिशा रे डबल इंजिन रो सरकार हबो पुरी जिले रे छ कु छ बीजेपी एवं एमपी आम समस्त एठी जितिबु एवं प्रभुंक पाखे आज आम समर्पण कलु सेवार प्रभु आमको सेवा करिवार सुजोग निश्चिंत देबे आमर अपेक्षा अछि। आउ कथा 2019 रे भी मध्ये आपण प्रतिनिधित्व करथिले तो एथरे भी करिवे तो विशेष करी निमापडा पई कोन आपण स्ट्रेटजी रखी छथि जोडे देखन तो लगातार भाबे 17 वर्ष धरि मु निमापडा राजनीति रे अछि। मु दुई थोर हारेलाणी किंतु मु केबे मो लोकंक भल पाइबा आगरे हार मानेनी कि छाडी करी जाइनी तेणु ये 17 वर्षर तपस्यार फल एथर निमापड़ा गोप अंचल लोक मैंने देवे देखो मुली मुझे लोक प्रतिश्रुति दिएनि मो लोक मैंने भी मुझे भावुँ विश्वास रखी थे जे मोठ भल सेवा कई करें तेणु मो महिलाटे हेले भी दीर्घ 17 वर्ष धरी लोकों पाखे ठियाई तेणु एथर निश्चिंत भावे मो अंचल जनसाधारण माने सेवा करिवार सुजोग मते देबे मोर से भरोसा अच्छी। आज जगन्नाथ पाखे आम समस्ते समर्पित निश्चिंत भाव आमको न्याय मिलिबो धर्मर लड़ई रे जीत मिलिबो किंतु आपण दीर्घ वर्ष धरी राजनीति रे अछंती एवं भक्त लोकों सेवा करचंती किंतु तथापि लोक मानकर जे आशा थिबो आपण निश्चिंत भाव मु निमापड़ा रे अछि लोकों भल पाइबा कारण रु अछि मु जो निमापड़ा गोप अंचल रु आसुचि सेठी आम एनएससी म्युनिसिपालिटी हे पारुनी आमे सब डिविजन हे पारुनी आमर नॉट फाइनल एरिया हे पड़ी आम अंचल डेवलपमेंट ना आम धनुआ नईर बनार प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त तार स्थायी प्रतिकार हे पारुनी बहुत लोक बहुत कथा कही बहुत दिन नेता हे गले जनता पाखे मोर प्रार्थना मत गोटे थर सुजोग दिंतु ये सब समस्या समाधान प्रभु जगन्नाथ दंड द्वारा आम कह जाऊ प्रभु आशीर्वाद से सब समस्या समाधान हम देखो आमर आराध्या देवता प्रभु जगन्नाथ पाखे आज आम शरण पशलु प्रभु आशीर्वाद भिक्षा कलु जे पुरी जिले में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना अच्छी यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित भारत कार्यक्रम अच्छी से किभ भाव पुरी जिला जोड़ी हो प्रभु आशीर्वाद भिक्षा कलु पुरी जिले में छटी जाक विधानसभा जो लोकसभा रही निश्चित भाव में प्रभु आशीर्वाद जनसाधारण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी विजय हेब एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जो डबल इंजन सरकार हम ए जो विकसित भारत रे पुरी जिला ताधीरे जोड़ी हम या प्रभु पाखे प्रार्थना करी आशीर्वाद भिक्षा कर स्वतंत्र स्ट्राटेजी कौन रे प्रकृत से अंचलवासी कौन रही आशा देवे कौन गोटे गोटे इश्तहार रखु निश्चित निर्वाचन तो प्रतिश्रुति इश्तहार यह सब कथा रु आप देखुए तले जो साधारण जनसाधारण अच्छा सी तक इश्तहार निष्पत्ति कर सर कार्यक्रम निष्पत्ति अनुभव करेंगे 25 वर्ष काल गोटे सरकार ओडिशार रही किभली भाव में गाँ गंडार आपण मैंने देखुए सबुठ दुर्नीति भ्रष्टाचार दादागिरी जो चली साधारण गरीब लोकटे सुविधा सुजोग वंचित होती प्रतिवाद में साधारण लोकता जनसाधारण निष्पत्ति नहीं आपण देखिए आगामी दिन में एटी मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी किभली शासन आसव डबल इंजिन सरकार आसव जनसाधारण निष्पत्ति नहीं निष्पत्ति एक भी जनसाधारण नहीं डबल इंजिन सरकार आसला निश्चित भाव विकास धारा जो विकसित भारत धीरे आम जिला सब विधानसभा जोड़ी हम प्रगति हम एक जनसाधारण आस्था प्रकट कर तेणु भारतीय जनता पार्टी को विपुल भोट्रे विजयी कर देखो आम डेलांग पीपल निर्वाचन मंडल आपण मैंने देखिंट विगत 35-40 वर्ष हम जोड़िए परिवार ये विधानसभा
କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫନି ପରେ ଲୋକ ଘର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଲେ ଦେଖିବେ। ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କହିଲେ, ସ୍କୁଲ କଥା କହିଲେ ତ ନସରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ପିପିଲି ଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଚାନ୍ଦୁଆର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି ଚାନ୍ଦୁଆର କ'ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି, ଚାନ୍ଦୁଆର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଯିଏ ପରିବାରବାଦ ଚାଲିଥିଲା, ଯିଏ ଏଠି ବିଧାୟକ ଛଅ ଥର ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ଯାହା ମିଛ କହୁଥିଲେ, ବିଗତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଠି ହେଇଛି ସେ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଗର୍ବିତ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପିପିଲି ବଜାର, ପିପିଲି ବଜାରରେ ଆଜି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖୋଜିଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ପିପିଲିରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ସେଦିନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ପରିବାରବାଦ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ କେବଳ ମାଫିଆ ରାଜ କରିକିରି, କେବଳ ଖଣି ଖାଦାନ ବାଲି ମରମ ବିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି କେବଳ ପରିବାର ବୁଲିକିରି ପଇସା ଆଦାୟ ଛଡ଼ା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 35 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରିବାର ଶାସନ, ଏଥର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।